सिद्धार्थ नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों के सिर पर छत मिल गई है और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोचने को मजबूर कर दिया है। जनपद सिद्धार्थ नगर के विकास खंड बैरपुर के ग्राम पंचायत बरगदी के टोला बरगदी में गरीब महिला के पास घर न होने के कारण वह पेड़ के नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। बारिश के समय छोटे से तिरपाल के नीचे पूरे परिवार के साथ रहना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। ग्राम पंचायत बरगदी के रहने वाली सोनमती कभी तिरपाल तो कभी खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करती है। तेज बारिश में जब तिरपाल भी टपकने लगता है तब उन्हें स्कूल के बरामदे का सहारा लेना पड़ता है, वहीं रात बितानी पड़ती है। जबकि जनपद में अब तक हजारों लोगों को आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है। सोनमती ने बताया कि गांव में उसके पास पहले कच्चा मकान था, बारिश की वजह से गिर गया। लगभग 3 सालों से वह आवास के लिए परेशान है और पास के ही एक स्कूल के जर्जर रसोईया में खाना बनाकर पेड़ के नीचे जीवन यापन बसर करती है। सोनमती के पति मनरेगा में काम करते हैं जिससे जीवन यापन न होने पर बेटे की पढ़ाई बंद कर कमाने के लिए बाहर भेजना पड़ा। अब उसी से छोटे बच्चों की पढ़ाई भी जारी है। सोनमती कहती हैं, हमारा दर्द कोई सुनने वाला ही नहीं है, बस अधिकारियों और प्रधान द्वारा आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। अगर इस बार आवास नहीं मिला तो भगवान से भी भरोसा उठ जाएगा। वहीं इस मामले पर जब ग्राम प्रधान से जानकारी ली गई तो उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। हाँ, कहाँ नाम है आपके, कहाँ रहने वाले हो? बरगदी के सोनमती। क्या समस्या है आपको, रो चुका है, क्या तकलीफ है बताओ? ना तकलीफ है, हमारे घर नहीं है, आवास नहीं मिला हमारे घर नहीं, हमारे घर रहा गिर गया, हम स्कूल में टूटा है, स्कूल में रहत बाटी गेहूँ में ना ही बाकी ना रहो, वो स्कूल ना हो, रसोईया हो, सरकारी रसोईया हो, चुहत बा वही हम बनाओ खाद बाटी, अब वो कहियो बने का आदेश आ जाए तो वो टूटी जाये। कितना दिन से? 3 साल से। 3 साल से इसी में बनाते खाती हो आप? हाँ, बनाई। और फिर सोती होती कहाँ पे हो आप? वही पेड़ के नीचे। हाँ, मैंने दिन भर पेड़ के नीचे रही ला। हाँ, संजय जून स्कूल खाली हो जाला तो ही स्कूल में जाला। स्कूल में गुजर बसर हो जाता है? हाँ, स्कूल में सारा है। हाँ, वही बिछा सूज जाला सारा में। तो परिवार में के है आपके? वही 3 2 बेटा वहाँ है, सु बिटिया पापा, अपन परिवार है 5 परिवार। हाँ, नहीं तो बताइए, आवास के लिए एक पात्रता श्रेणी होती है तो उस श्रेणी में आपका नाम है? नाम है देखा जाए कागज रही है। हाँ हाँ, तो फिर नाम है तो कहे नहीं तो पैसा का बताओ थे अधिकारी या प्रधान का बताओ थे? अधिकारी प्रधान बताओ थे, जब आई तब मिली, अभी ना आई। हाँ, हाँ। गांव में और कब मिला है आवास? गांव में मिला है, अब हमने बढ़िया से ज्यादा नहीं, 5 की 4 जने और नाम लिखा हुई करे। हाँ हाँ, चल के देख लिया जाए। हाँ हाँ, नाम लिखा है, 4 की 5 जने मिला। हाँ हाँ, हमें नाम मिला, हमारे कहा बजट आई तब मिली। अच्छा, हाँ, क्या नाम है, कहाँ रहने वाले आप? हम बरगदी के रहने वाले मनोज राम। क्या तकलीफ है? तकलीफ ये कि साहब हो गया 5-6 साल लेकिन घर आज तक नहीं मिला इतना। हाँ, इतने मजबूरी के बाद भी। हाँ, देख रहे हैं आप, वहाँ पे हम लोग रहते हैं, जब बारिश होते थे बल्ली तान के रहना पड़ता है। हाँ, 8-10 आदमी मतलब हम लोग हैं 5 जन घर में, वहीं एक ही खटिया पे मतलब रहना पड़ता है, 4-5 बारिश आ जाता है। हाँ, सबको बैठ के ही रहना पड़ता है। जब बारिश बंद होती है तो हम लोग उस पेड़ के नीचे जाते हैं और उसके बाद रात में हम लोग इसी जो देख रहे हैं अपना बरामदा, इसी में रहते हैं, स्कूल वाले बरामदे में। तो आपको क्यों नहीं मिल रहा आवास, क्या वजह है ना मिलने की आखिर? इसका कोई राज नहीं मालूम पड़ रहा है कि कैसे नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रधान भी बोल रहे हैं मिलेगा, सेक्रेटरी जो भी हैं सब हर अधिकारी बोल रहा है कि मिलेगा। कितने मिलेगा? मिलेगा, लेकिन आज नहीं। एक पात्रता सूची होती है उसमें आपका नाम है कि नहीं है? मेरे पिताजी का नाम है, मेरी माँ का नाम, दोनों का। क्या नाम है आपकी माँ का? माँ का नाम सोनमती है, पिता का नाम लौटन। अच्छा, परेशान थे जैसा कि आप बता रहे हैं 3-4 साल से परेशान है, सूची में कब नाम आया है इनका, कितने साल हुआ? ये हो गया 3-4 साल हो गया।
तीन चार साल हुआ नाम आया सूची में, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। हाँ। बस सिर्फ यही सहारा दे रहे हैं, मिलेगा नहीं। आपकी माँ ने कहा कि वो लगा था चौपाल तो वीडियो साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने बोला हम उस समय बाहर थे। अच्छा, बाहर थे आप जी। हाँ। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि घर बनवा दे सरकार का, सरकार से यही उम्मीद है। तो फिर सरकार का कोई मान्यता ही नहीं रहे हम रखेंगे। हाँ। सरकार का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, जरा एक हमारा देश है, एक परिवार की तरह रहता है। हाँ। जब जिम्मेदारी नहीं सरकार समझेगी तो हम क्या समझेंगे सरकार को? भाई यही उम्मीद है ना सरकार से, कि हमें वो अपना लड़का मानता है, मुझे अपना बाप मानता है। जब बाप लड़के को मदद नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा बाप को समझ के, यही उम्मीद। हाँ प्रधान जी, आपके ही ग्राम पंचायत की एक महिला है प्रगति किशोरमती, वो बता रही है कि वो 3 साल से परेशान है आवास के लिए, उसके पास आवास नहीं है, और वो विद्यालय में जो जर्जन भवन है उसमें अपने बच्चों को लेकर गुजारा करते हैं, तो आवास उसको आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या वजह? उसका आवास पास हो गया है, वो पात्र थी, बाद में चला कि कभी कानून से नहीं हो पाया, बाद में पता चला कि पात्र है, गरीब उसको दिया जाए, तो उसका सब हो गया है, काम ओके हो गया है, फाइल हुई सब, मेन चीज खाते में पैसा नहीं, सरकार के डोंगल भी लग गया है, जैसे कैसा आ जाएगा उसको आवास में पैसा पहुँच जाएगा खाते में। अच्छा, उसका ये भी कहना है कि उसके साथ में जो लोग किए थे अप्लाई, 4 लोगों को मिल गया लेकिन उसको क्यों नहीं मिला? उसका बाद में फाइल पास हुआ, कुछ देर के लिए रोक दिया गया था, तो उसको चीज बता रहे थे कि कुछ लोग कहे कि मतलब दूसरा इल्ज़ाम लगा रहे थे गलत कि वो पाई आवास एक बार पा चुकी है, तो लेकिन जब उसका जांच किया गया यहाँ से ब्लॉक से लेकर जिला तक, तो नहीं उसको मिला था, इसलिए उसी के नाते उसका फाइल रुक गया था, बाद में उसका फाइल हुआ, डोंगल भी लग गया, अब खाते में पैसा सरकार के नहीं है, जैसे पैसा आएगा तो उसको मिल जाएगा पैसा। अब इसके लिए हम वीडियो साहब से बात करके तो बताएंगे। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया हम देते हैं।